हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक वंडरफुल जॉब अपॉर्चुनिटी लाया हूँ। दोस्तों, अगर आप अपना करियर बिल्ड करना चाहते हो, आगे जाके लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, तो आज का ये वीडियो आपको जरूर एंड तक देखना चाहिए, ठीक है। सो इस वीडियो में जो आपको पर्टिकुलर जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, वो एक फुल टाइम जॉब है, परमानेंट जॉब है। आप यहाँ पे अगर अप्लाई करते हैं, सिलेक्ट हो जाते हो, तो आपको यहाँ पे लाइफ बनने वाली है, ठीक है। And this job opportunity is particularly for those candidates who want to build their career, who want to relocate to the office location at Delhi and who want a permanent job. Okay? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है द हर्थ एडवाइजर। ओके, इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है डिटेल में, तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो इसके एक और मैं आपको दे देता हूँ, ये ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर क्या है। इट इज ए लीडिंग कंसल्टिंग फर्म बेस्ड बिटवीन यूरोप एंड एशिया, यानी कि एशिया एंड यूरोप में ये पर्टिकुलरली कंसल्टिंग करती है। अब किसके रिगार्डिंग कंसल्ट करती है? एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एंड सस्टेनेबिलिटी, इसके रिगार्डिंग कुछ क्लाइंट्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, कंसल्ट करते हैं, मेनली एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर में। ओके, सो इनके जो ऑफिस है वो यूके, आयरलैंड एंड इंडिया में इनके ऑफिस है, और इंडिया में अभी वो अपनी बड़ी सी टीम बनाना चाहते हैं। उसके लिए इन्होंने ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है वो यहाँ पे अरेंज किया है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का नाम है ग्रेजुएट हायर प्रोग्राम। ओके, सो दिस ऑर्गेनाइजेशन बेसली फोकस्ड ऑन एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। ओके, देन इट इज ए जस्ट ओवर फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन द हर्थ एडवाइजर। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, जैसे कि मैंने दोस्तों आपको बताया, एक इट इज ए नॉट वर्क फ्रॉम होम, ओके, इट इज ए वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब, बहुत ही अच्छा जॉब है। तो एक फुल टाइम है, अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं तो आपको दिल्ली लोकेशन पे रिलोकेट होना पड़ेगा। अगर हम सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी आपको यहाँ पे 40,000 मिलेगी। इट इज बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, इफ यू आर फ्रेशर देन आपको 40,000 मिलेगा, एंड इफ यू आर द एक्सपीरियंस पर्सन देन मोर देन 40,000 यू विल बी गेट द सैलरी। आपको यहाँ पे 31 अगस्त से पहले यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो चलिए हम जान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको, अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हो, तो डिस्कसिंग विद क्लाइंट्स फॉर डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। सो इफ यू आर सिलेक्टेड हियर, देन यू हैव टू डिस्कस विद द क्लाइंट्स रिगार्डिंग डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन आइदर एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। देन कंडक्ट रिसर्च एंड सर्वेज एंड इंटीग्रेटेड टू ग्रेन द वर्क प्रोग्रेस। ओके, यानी कि आपको कुछ मतलब रिसर्च करना है, सर्वे करना है, क्लाइंट्स के इंटरव्यू देने, किसके रिगार्डिंग? वर्क प्रोग्रेस के रिगार्डिंग, यानी कि जो क्लाइंट को वर्क दिया होता है वो वर्क प्रोग्रेस क्या है, इसके रिगार्डिंग आपको क्लाइंट से बातें करनी होगी। देन असाइनिंग प्रोज एंड कॉन्स ऑफ पॉसिबल स्ट्रेटेजी, जो आपने या फिर क्लाइंट ने जो भी स्ट्रेटेजी बनाई होती है उनके ऊपर, स्ट्रेटेजी मतलब जो आपका प्लान है उसके ऊपर, उसके कोई क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, उसके ऊपर आपको काम यहाँ पे करना होगा। देन डेवलप एंड प्रेजेंट प्लान्स टू इम्प्लीमेंट, जो आप प्लान एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उनको क्या करना है, आपको डेवलप करना है, प्रेजेंटेशन उसका करना है। देन सपोर्ट बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटीज, जो भी बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती है उनके साथ आपको क्या करना है, डेवलप करना है। देन सपोर्ट बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटीज, ओके, असिस्ट क्यूरिकुलम डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड वर्क, क्यूरिकुलम मतलब जो भी एजुकेशन सेक्टर में जो भी क्यूरिकुलम होता है वहां पे आपको असिस्ट करना है डेवलप करने में, उनको ट्रेनिंग देना है, वर्कशॉप्स उनके लिए लेने, ठीक है। देन सपोर्ट कलीग्स, जो आपके भी ये जो काम है इंडिविजुअल को आपको नहीं करना है, टीम में मिलके करना है। सो आपके जो कलीग्स होके उसको आपको क्या करना है, सपोर्ट यहाँ पे करना है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन की। दोस्तों, अगर आप एक ग्रेजुएट कैंडिडेट से किसी भी डिसिप्लिन से, तो आप यहाँ पे जरूर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस, अगर आप फ्रेशर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर एक्सपीरियंस है 5 इयर्स तक तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस बोथ कैंडिडेट्स कैन बी अप्लाई हियर। ओके, देन स्किल्स, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन से स्किल चाहिए? तो सबसे पहले आपको रिसर्च, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए। देन उसके साथ साथ एटीट्यूड टू ग्रास्प न्यू कंसेप्ट, आपको ग्रास्प करने की पावर आपके पास चाहिए।
प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके पास होना चाहिए, उसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल भी आपका अच्छा होना चाहिए। वर्क इन इंडिया यानी कि इंडिया में काम करने की आपको अथॉरिटीज यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई करने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए। सिंपल, वहां पे आपको अपना नेम देना, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर सही से भरने क्योंकि उसके ऊपर आपको कॉन्टेक्ट करने वाले हैं। उसके साथ साथ आपको वहां पे लास्ट में कवर लेटर और अपना रिज्यूमे वहां पे अपलोड करना है। दोनों फाइल आपको यहाँ पे अपलोड करना मैंडेटरी है। उसके साथ साथ आपको जो प्रोग्राम का एक ऑप्शन मिलेगा वहां पे आपको ग्रेजुएट हायर प्रोग्राम पे सेट करना है। और वर्क अथॉरिटीज इन इंडिया में आपको इंडियन सिटीजन से तो आपको वहां पे क्लिक करना है। ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अदर थिंग्स आर ओके एंड इजी ऑल दैट। देन यू कैन गो देयर एंड अप्लाई ऑन दैट पर्टिकुलर लिंक। ओके, सो अगर ये वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज्यादा से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं एक नए प्लेटफॉर्म के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।